गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है कि अभी फिलहाल जस्ट अभी भी स्कूल से आया हूँ और बाकी अभी 2:35 हो रहे हैं और बस अभी फिलहाल अभी अभी स्कूल से आया था। और ये देखो टीशा भी, टीशा तो मेरे साथ ही आ जाती है एज यूजुअल, क्योंकि भाई डेली टीशा की जब वैन आती है इधर से और फिर मैं इधर से अपनी साइकिल से आता हूँ, तो डेली लगभग ऐसा ही होता है। और लवी भाई हम आए तब तक लवी सो गई। भाई लवी सो गई, पता नहीं कैसे सो गई। मम्मा कैसे सो गई लवी? वैसे सो गई, आके खाना खाया, खाना खा के सो गई। और बाकी आज ये देखो मम्मी जी ने बनाई मैगी और मैक्रोनी, तो बस अभी यही खा रहे थे बैठकर। मम्मी जी एज यूजुअल सीरियल देख रही है अपना। और ये देखो भाई 2:45 हो रहे हैं जैसा कि मैंने बताया। और हाँ गाइस मेरी 2 कॉपीज हो गई थी ना नोटबुक्स, तो भाई उनका भी काम कंप्लीट हो गया। आज स्कूल में मज़े आ गए, दोनों चेक भी हो गई और अब कोई टेंशन नहीं है, फाइनली टेंशन फ्री हूँ। बट फिर भी भाई डेली की पढ़ाई तो रहेगी, क्योंकि भाई 9th है, थोड़ी सीरियस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी वरना तो दिक्कत हो जाएगी भाई। तो बस अब ये खाकर फिर पढ़ने ही बैठना है भाई। अच्छा तुझे कितने बजे जाना है कोचिंग? 5 और मुझे 6 बजे। तो बस भाई 1 घंटे का अंतर है मेरी और टीचर की कोचिंग में, तो लवी भी मेरे हिसाब से तभी उठेगी। तो चलो अभी फिलहाल मैक्रोनी खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। जा रहे हो तुम लोग ट्यूशन? और भाई कूलर पता नहीं क्यों आवाज़ कर रहा है अलग ही। लवी भी उठ गई है। क्या क्या चीज़ पिल्ला? किसी जगह गेट बंद है, कहाँ है वो? अरे ये लवी, ये क्या पहन रखा है तूने? लवी अजीब सी लग रही है। मैं जा रही हूँ। चलो बाय लवी, ट्यूशन नहीं जा रही? आ जाइयो तो। हैं होमवर्क नहीं हुआ इसलिए ट्यूशन नहीं जा रही है। अच्छा चल तो तू चली जा ट्यूशन वो चीज़ लेने। टीचर बाय, तू तो जा रही है, सिद्धि भी नहीं जा रही भाई। तो बस लवी आ गई चीज़ लेकर। क्या लेकर आई मुझे भी दिखा दे। लेकर अभी वो फ्रिज में रखी है जमने के लिए, और दीदी भी हमने स्नेकर लेके चली गई वहां से। अच्छा अब तू क्या करेगी लवी? मैं हाँ, अब जो यासा को घर है ना उधर। हाँ हाँ अच्छा हाँ, तो तुझे एक जगह पर जाना है दावत खाने। देखो भूताली आंटी का नहीं, वो वाला दूसरा वाला यासा का। हाँ मुझे पता है भैया। हाँ तो 5 बजे ना तब मुझे जगा देना। क्यों जाना नहीं है वहां पे? अब क्या कर रही है तू? सो रहा हूँ। क्यों अब क्या? अब तो 15 मिनट रह गए हैं बस। 15 कितने होते हैं? 15 कितने होते हैं? 15 थोड़े से ही मिनट रह गए हैं। रुक जब चले सो मत। ए यार तो लेट नहीं तो देख पकला। चल ठीक है तू सो, लेट ले सो ले, मैं तुझे 15 मिनट बाद उठा दूंगा। ठीक है ठीक है सो जा। बाकी गाइस मस्त यहाँ पर पढ़ाई चल रही है, बस नोट्स बना रहा था और लर्न कर रहा था भाई। ये देखो ये रेड पेन नहीं है गाइस, ब्लू पेन है। ये देखो बस ये कुछ नोट्स बना रही, ये तो मेरे पहले से बन रहे थे, यहाँ से बनाए थे, ये 4-5-6 पेज के करीब बनाए थे यहाँ तक। अब इन्हीं को लर्न करना है फिर जाऊँगा कोचिंग। तो अभी गाइस फिलहाल टीचर लवी तो जा चुके हैं ट्यूशन, मतलब लवी तो नहीं गई, लवी गई अपना दावत वावत खाने पता नहीं कहाँ पर, मुझे तो नहीं पता, बट वो मम्मी जी ने भेज दिया उसे चली गई। और बाकी अभी मम्मी जी भी उठ गए हैं और अभी मेरा ट्यूशन का भी टाइम हो गया है भाई, 6 बजने में जस्ट 10 मिनट हैं। तो चलो फिलहाल अभी कोचिंग चलते हैं, कोचिंग से आकर आपसे मिलते हैं। तो अभी गाइस फिलहाल यार कोचिंग से तो आ गए हैं, और बाकी अभी टी शर्ट इसलिए चेंज करी है क्योंकि ख़राब हो गई थी भाई। लवी है जो भी ड्रामे करे वो कम है। और बस अभी अभी कोचिंग से आए हैं और अभी बज रहे हैं भाई 8:10 हो रहे हैं। और बाकी आज पता नहीं कैसे मम्मी जी की थोड़ी तबीयत ढीली सी है, इसे मेरा मतलब कि गाइस मम्मी जी को आ रहा है थोड़ा थोड़ा फीवर। मम्मा मम्मा आप सभी सही नहीं है भाई? अभी सही नहीं है मम्मी जी की तबीयत। रॉकी क्यों क्या देख रहा है भाई? रॉकी यहाँ ऐसे ही बैठा रहता है लगभग ज्यादातर, क्योंकि अब भाई खुला रहने स्टार्ट हो गया। जब छोटा था ना तब भागता था, जब रॉकी छोटा था ना तब एकदम भागता था, जैसे जैसे खोलो सीधा बाहर भागता था। अब भाई बड़ा हो गया, समझदार हो गया, अब 3.5 साल का भी हो गया है, तो बस अब अंदर रहता ही, ज्यादातर घर के अंदर ही रहना पसंद है, ऐसे बाहर जाता भी नहीं है भाई। ओनली घूमने के अलावा कहीं नहीं जाता भाई, बस घूम कर आएगा 5-10 मिनट, 3-4 बार घुमाता है फिर अंदर आकर बैठ जाता है, बस यही चलता है। अब तो इसका मस्त अंदर ही रहता है अभी। वहाँ पर भाई टीशा तो लगा रही अपना टाइम टेबल, लग गया टीशा? मेरे को भी लगाना है भाई अभी। और लवी फोन चलाते रहते हो आप हैं? क्यों पापा जी आ गए तो मतलब पापा जी का फोन ले लिया? पागल पागल पागल, फोन क्यों देखती है इतना? कोचिंग की छुट्टी करी आज, से पढ़ भी नहीं रही है, पढ़ भी नहीं रही है, पढ़ भी नहीं रही है, पढ़ भी पढ़ भी नहीं रही है। लवी चलो कुछ खेलते हैं।
तोता और मैना और कोई नया गेम है। हाँ। आज मम्मी जी की तबीयत खराब है तो टीशा और अम्मा जी रोटी सेकती जा रही है, टीशा पापा जी को खिला रही है अंदर। क्या अच्छा टीशा काम कर रही है भाई वैसे तो। और ये रखी शायद ये किसकी अम्मा जी, घी चुपड़ी हुई एकदम मस्त। हाँ भाई मैंने अम्मा जी से कह दिया था पहले ही कि मैं नहीं खाऊंगा भाई साफ सब्जी से, क्योंकि लौक ही बनी है तो इसलिए मैं तो एकदम रूखी रोटी खाएंगे भाई अपनी एकदम मस्त। चलो बस अभी पीछे अम्मा जी खाना सीख रही हैं और चलो फिलहाल अभी हम खाना खाते हैं और खाना खाकर आपसे हम मिलते हैं। बाकी भाई कुछ भी खाओ, रूखी रोटी खाने का जो मज़ा है ना वो और किसी चीज़ में नहीं है मेरे हिसाब से। तो मेरे को तो भाई काफ़ी सही लगती है, घी से रोटी खा लेता हूँ मैं तो कभी कभी, जब सब्जी मेरी पसंद की नहीं बनी होती ना तो मैं मस्त घी से रोटी खा लेता हूँ। चलो भाई अपने फिलहाल रोटी खाते हैं, ठंडी हो रही है मेरी रोटी। 2000 years later. तो अभी ऐसा सीन कुछ ऐसा है कि अभी फिलहाल बज रहे हैं 11:35, मतलब 11:35 हो रहे हैं रात के। और बाकी गाइस इतना ज़्यादा लेट इसलिए हो गए क्योंकि लगभग 9:30 पर खाना खाया था। तो हाँ भाई लगभग 9:30 पौने सब खाना खाया था, फिर मम्मी जी की थोड़ी तबीयत बिगड़ गई, उनको डॉक्टर के पास लेकर गए। तो अब कोई दिक्कत नहीं, फीवर तो भाई है, वो डॉक्टर कह रहे हैं उतरेगा, बस भाई पॉजिटिव सोचना है कि और कोई दिक्कत ना हो भाई, क्योंकि अब डेंगू वेंगू के वायरस चल गए। पिछली ईयर भी मम्मी जी को इन्हीं दिनों में हुआ था, इसे लगभग सेप्टेम्बर में हुआ था। बस भाई मम्मी जी तो यहाँ पर सो रहे हैं अभी, बेचारी मम्मी जी की एकदम से तबीयत ख़राब हो गई, शाम तक सही थी गाइस लिटरली। चलो डिस्टर्ब नहीं करते, दवाई खाकर सोई हैं। और ये एज यूजुअल मोबाइल में लगी है पागल लड़की, क्या मारेगी मुझे ये, कितनी पागल है। नहीं नहीं लवी लवी मम्मी जी सो रही है ना, उनकी तबीयत सही नहीं है। तो गाइस अभी फिलहाल लवी तो भाई मोबाइल में लगी रहती है, और भाई मेरा भी काफ़ी ज़्यादा गला वाला बैठ रहा है, आवाज़ से पता चल रहा है। और ये देखो भाई 11:35 हो रहे हैं। तो गाइस बस अभी फिलहाल बस सुबह तक मम्मी जी की तबीयत सही हो जाए, और वैसे हो जाए क्या, हो जाएगी भाई, पॉजिटिव थिंकिंग है। और बाकी आप लोग भी प्रे करना भाई कि मम्मी जी को जल्दी से जल्दी फीवर उतर जाए और प्लेटलेट्स वगैरह को कोई चेक करना पड़े, वरना तो फिर काफ़ी लंबी कहानी बन जाती है। वैसे कुछ नहीं होगा भाई, ना नेगेटिव सोचोगे ना नेगेटिव होगा, मेरा तो भाई ये हिसाब है। तो हाँ भाई अभी फिलहाल सोऊंगा अभी भाई, सुबह स्कूल भी जाना है, नहीं तबीयत सही होती है तो फिर नहीं जाएंगे भाई। वैसे भाई मुझे पूरा विश्वास है कि हो जाएगी, तो स्कूल की छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी हमें। तो हाँ गाइस चलो फिलहाल अभी इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आज का ब्लॉग मुझे पता है काफ़ी छोटा है और काफ़ी बोरिंग सा तो नहीं कह सकते, बट सही है, बट छोटा है भाई, तो आज एडजस्ट कर लो और कल का भाई दिन बताएगा क्या होता है। तो चलो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना, मिलने गए जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। I don't think we got enough time.